हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संजीव एंड वेलकम टू बत्रा हेल्थ केयर। आज मैं वेंटिलेटर के बारे में बात करने वाला हूँ। क्या आपको पता है कि वेंटिलेटर्स के कितने ज़बरदस्त नुकसान हो सकते हैं? क्या आप जानते हो इसकी वजह से आपको निमोनिया होता है, इसकी वजह से आपको लंग्स में इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आपको पता है कि इसकी वजह से आपको साइनस होता है। आप जानते हो कि 90% पेशेंट वेंटिलेटर यूज़ करने के बाद ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट उनकी डेथ हो जाती है, वो कभी बाहर ही नहीं आ पाते जिन लोगों को वेंटिलेटर दिया जाता है। ये हकीकत है। और एक बहुत बड़े डॉक्टर ने बताया कि मैंने अपने 30 से 35 साल के एक्सपीरियंस में, प्रैक्टिस में, कभी भी मैंने एक बार भी ऐसा नहीं देखा कि एक भी पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर जिंदा वापस आया हो। वो ये कहते हैं, तो आप समझ सकते हो कितना खतरनाक है ये। वेंटिलेटर से आपकी बॉडी को कनेक्ट करने के लिए, आपके लंग्स को कनेक्ट करने के लिए एक ईटी ट्यूब डाली जाती है आपके नाक के रास्ते या आपके मुंह के रास्ते से, और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आपके गले में छेद करके, होल करके, ऑपरेशन से उस ट्यूब को आपके लंग्स तक पहुंचाया जाता है, विंड पाइप तक पहुंचाया जाता है, वहां से उसको कनेक्ट करके और फिर आपको वेंटिलेशन किया जाता है। आप सोच सकते हो कितनी दर्दनाक प्रक्रिया है ये। और ऐसे में जो आपको तकलीफ़ होती है, जो प्रॉब्लम होती है, उसके लिए एनेस्थेसिया देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं और पेन किलर देते हैं, जिसके अपने अलग साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और जो लोग लंबे समय तक, कुछ समय तक, कुछ ज़्यादा समय तक वेंटिलेटर पर रहते हैं, उनके लिए उनके ही नाक से या मुंह से या फिर गले में छेद करके ऑपरेशन के द्वारा एक फीडिंग पाइप डाला जाता है। फीडिंग पाइप उनके पेट में डाला जाता है, छोटी आंत तक, ताकि जो उनको हम खाना पीना दें तो वो खाना पीना उस पाइप के थ्रू उनकी छोटी आंत तक पहुंच सके, क्योंकि खाने पीने का छोटी आंत तक पहुंचना ज़रूरी होता है। छोटी आंत तक नहीं पहुंचेगा तो फिर उसका खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो डाइजेशन तक नहीं पहुँच पाएगा। तो ये है सिस्टम वेंटिलेटर का। जो नाक के रास्ते, मुँह के रास्ते या गले में होल करके जो ईटी ट्यूब डाला जाता है आपके लंग्स में, उस ट्यूब की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं आपके लंग्स में, फेफड़ों में, और जिसको बोलते हैं निमोनिया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया हो जाता है। और निमोनिया अगर आपको एक लंग में होता है तो उसको सिंगल निमोनिया बोलते हैं, और दोनों लंग्स में हो जाता है तो उसको डबल निमोनिया बोला जाता है। तो आप सोच के देखो, बहुत सारे लोग कहेंगे निमोनिया तो ठंड की वजह से हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है जब होता है, तो आप कैसी बात कर रहे हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं VAP, यानी कि वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया। तो आपको ये समझना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। वेंटिलेटर कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको किसी कहीं पर भी ऑनलाइन या कहीं किसी अच्छी दुकान पर एक ऑक्सीमीटर मिल जाएगा, और उस ऑक्सीमीटर को जब आप उंगली पर लगाते हैं, टच करते हैं, तो आपको पता लगता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। अगर ये 70% है या इससे थोड़ी कम या इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ऐसे केस में डेथ हो जाती है। अगर ये 80% है तो आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी, ब्रीदिंग में तकलीफ़ होगी, आपको काफ़ी अनकम्फर्टेबल लगेगा, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको वेंटिलेटर पर डाल देगा। तो आपको ये समझना है कि 80% जब हो जाएगा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में, तो आपको ये समझना है कि हाँ, अब मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन वेंटिलेटर की नहीं। तो ट्रीटमेंट दवाइयों से तो होगा नहीं, वो तो आप जाओगे तो वो तो वेंटिलेटर पर ही डालेंगे। तो इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ आने वाले इसी वीडियो में, आने वाले समय में इसी वीडियो में बताऊँगा कि प्रॉन वेंटिलेशन क्या होता है और उसको आप घर पर ही कैसे यूज़ कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के। तो आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है 90% ऑक्सीजन की जिंदा रहने के लिए, और आपका अगर 80% हो गया है तो मतलब कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आपका थोड़ा बहुत आपको ऑक्सीजन चाहिए, उसमें आपको ब्रीदिंग में अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं, ब्रीदिंग सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसे केस में आपको प्रोन वेंटिलेशन करना चाहिए। और जब आप प्रोन वेंटिलेशन करते हैं, आपको पेट के बल उल्टा लेटना है और इसी पोजीशन में आपको लंबे समय तक रहना पड़ता है। और जब आप सपोर्ट लेना चाहें उसमें, क्योंकि लंबे समय तक आप रहेंगे,
मतलब कि 24 से 48 घंटे अगर आप प्रोन वेंटिलेशन पोजीशन में रहेंगे तो आपको किसी भी तरह के वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब आप पेट के बल लेट जाएंगे और वहाँ पर आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, उसका कारण ये होता है कि जैसे कि मान लो जब आप सीधा लेटे हुए हो, पीठ के बल लेटे हुए हो, तो वहाँ पर आपका जो लंग्स होते हैं वो ऊपर होते हैं और हार्ट नीचे होता है आपका। और जब आप पेट के बल लेटते हो तो आपके जो लंग्स होते हैं वो नीचे हो जाते हैं और हार्ट ऊपर हो जाता है। तो जैसे ही लंग्स आपके नीचे होंगे तो आप हैरान हो जाओगे रिज़ल्ट देख करके कि 15 to 20% आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन मिल जाएगा आपको, 15 to 20% ऑक्सीजन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मान लो आपको आपका 70% आ गया और जब आप उल्टा लेट गए पेट के बल और उसी पोजीशन में आपको रहना है 24 से 48 घंटे और हो सके तो उससे भी ज़्यादा, तो जब आप ऐसे लेटोगे तो आपके लंग्स जो है वो नीचे हो जाएंगे और उसकी वजह से आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलने लग जाएगा। और उस टाइम जब आप ऑक्सीजन नापोगे, अपना चेक करोगे, तो आपका 90% या 85% से 90% के बीच आ जाएगा और वहाँ पर आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं होता। सिंपल सी चीज़ है। और प्रोन वेंटिलेशन को बहुत जगह यूज़ किया जाता है, पूरी दुनिया में वेंटिलेटर के साइड इफ़ेक्ट के बारे में सारी दुनिया जानती है, सबको पता है और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। तो प्रोन वेंटिलेशन का यूज़ किया जाता है आपको वेंटिलेटर के साइड इफ़ेक्ट से बचाने के लिए। एक डॉक्टर थे चाइना में, पेशेंट का ट्रीटमेंट करते करते उनको कोरोना हो गया और जब उनको वेंटिलेटर पर रखा गया, टोटल 99 डेज तक वो रहे हॉस्पिटल में और उसमें से 45 डेज तक वो वेंटिलेटर पर रहे। और उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला कि इनकी एक तो पूरी बॉडी काली पड़ गई, क्योंकि वेंटिलेटर पर रखने के लिए आपको बहुत सारी दवाइयाँ भी दी जाती हैं, नहीं तो आप वेंटिलेटर पर नहीं रह सकते। एंटीबायोटिक देंगे आपको, एनेस्थीसिया देंगे और बहुत सारी चीज़ें, आपको साइनस हो गया वेंटिलेटर पर डालने के दौरान साइनस हो जाता है क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, लंग्स में निमोनिया हो जाता है, तो उन सब की दवाइयाँ भी साथ में देते रहते हैं, उसकी वजह से उनकी बॉडी काली पड़ गई। लेकिन हम कहते हैं कि ये बॉडी जो काली पड़ी है वो वेंटिलेटर के साइड इफ़ेक्ट की वजह से पड़ी है। तो आपको ये चीज़ें देखनी है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बेस्ट है। डॉक्टर भगवान नहीं होते आज की डेट में, स्पेशली आप किसी भी डॉक्टर को अगर आप भगवान मान के चल रहे हो और उसने जो कह दिया वो पत्थर पे लकीर है, तो आप वो चीज़ मत करना कभी भी। आज की डेट में किसी पर विश्वास करना ठीक नहीं है। तो वहाँ पर देखा गया कि 45 दिन तक हॉस्पिटल में वेंटिलेशन पर रहने के बावजूद उनका जो ब्रेन था वो ठीक काम नहीं कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, एंग्जाइटी में चले गए और बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे, उनको पैरालाइज के सिम्टम्स आने लग गए और काफ़ी दिक्कतें उनके साथ हुई। और वहाँ के डॉक्टर्स ने बोला कि इनकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है। तो ये होता है वेंटिलेटर के साइड इफ़ेक्ट। तो अभी एम्स में भी ये यूज़ किया जा रहा है प्रोन वेंटिलेशन, इसका प्रोसेस शुरू किया गया है और इसमें बहुत सारे लोगों पर ये यूज़ किया गया है, 5 लोगों पर यूज़ किया गया था जो वेंटिलेटर पर थे और प्रोन वेंटिलेशन करने के बाद वो वेंटिलेटर से बाहर आ गए। 5 में से 4 लोग वेंटिलेटर से बाहर आ चुके हैं प्रोन वेंटिलेशन करने के बाद, ये तो प्रूव्ड है, एम्स ने किया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इतने सारे तामझाम और साइड इफ़ेक्ट और परेशानियों से बचने के लिए आप कुछ नेचुरल चीज़ें अपनाओ, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि प्रोन वेंटिलेशन का यूज़ जो है नॉर्मली जो है वो किया जाता है ARDS में, यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसमें जहाँ पर लंग्स में पानी भर जाता है तो उसमें प्रोन वेंटिलेशन का यूज़ किया जाता है। पेशेंट को पेट के बल उल्टा लेटा दिया जाता है 24 से 48 घंटे या लंबे समय तक, उसको उसी पोजीशन में रहना होता है
और मैं ये कहता हूँ कि ये कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं है, इससे अच्छा तो ये है ना कि जो आप वेंटिलेटर पर जाने वाले हो, नाक के में आपके दो दो पाइप डलेंगे, एक लंग्स में जाएगा, एक छोटी आंत में जाएगा, उससे तो अच्छा है कि आप बच जाओगे बाकी चीज़ों से। तो इसमें मैंने बता दिया आपको, अगर 70% अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन है, ऑक्सीमीटर से आप नाप सकते हो, तो वहाँ पर डेथ हो जाती है। 80% है तो उसको प्रोन वेंटिलेशन से ठीक किया जा सकता है, 90% है तो बेस्ट है। तो आपको कितना बढ़ाना है, अगर 80% है तो 10% बढ़ाना है, लेकिन जब आप प्रोन वेंटिलेशन का यूज़ करते हो तो 20% तक ऑक्सीजन बढ़ जाता है आपकी बॉडी में और आप ठीक हो जाते हो। तो मैं आपको कुछ और छोटी छोटी बातें बता देता हूँ कि एक वेंटिलेटर जब आप ख़रीदने जाते हो मार्केट में, तो उसकी कीमत होती है करीब करीब 7 से 15 लाख रुपए। और एक वेंटिलेटर जब आप ख़रीदते हो तो 7 से 15 लाख रुपए की उसकी कीमत होती है। और जब आप पर डे किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हो और आपको आईसीयू में लगा करके वेंटिलेटर यूज़ करके आपको दिया जाता है, तो वहाँ पर 5,000 से 20,000 रुपये तक की कॉस्ट आती है। डिपेंड करता है अलग अलग हॉस्पिटल में कौन सा कितना बड़ा हॉस्पिटल है, उसी हिसाब से वो चार्ज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक तो आपको आप बच जाओगे साइनस का जो इन्फेक्शन होगा आपके नाक में, आपके माइंड में जो कफ डिपॉजिट हो जाते हैं साइनस की वजह से, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा जब आप नाक में ट्यूब डालते हो तो उससे आप बच जाते हो। दूसरा, नाक से जो लंग्स में ट्यूब जाती है उसमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, लंग्स में निमोनिया हो जाता है, उससे आप बच जाते हो अगर आप वेंटिलेटर का यूज़ नहीं करते। और जो उस दौरान आपके दर्द को कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, एनेस्थीसिया दिया जाता है, एंटीबायोटिक और पेन किलर दिए जाते हैं, उन सबसे आप बच जाते हो, साइड इफ़ेक्ट से बच जाते हो। तो कितना ख़तरनाक है आप सोच सकते हो, वेंटिलेटर यूज़ करना बड़ा ख़तरनाक है। और आपको जैसे मैंने कहा कि 10% ऑक्सीजन के लिए अगर आप प्रोन वेंटिलेशन करोगे तो उसी से आपको 15-20% ऑक्सीजन मिल जाता है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसे मैंने कहा कि जब आप पेट के बल लेटते हो तो आपके लंग्स जो है वो नीचे होते हैं और हार्ट ऊपर होता है, ऐसे में आपको आपके लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है, 15-20% बढ़ जाती है। और अगर आपका 85%, 86-88% भी अगर ऑक्सीजन आ जाता है तो आपको किसी वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आप रिकवरी कर लेते हो। तो आपको नेचुरल चीज़ों में आना है, नेचुरल चीज़ों में आओगे तो आपको काफ़ी फायदे होंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि एक मेडिसिन है सेनेगा, क्योंकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ तो आपको मैं थोड़ी सी दवाइयों के नाम भी बता देता हूँ। सेनेगा मेडिसिन 30 पोटेंसी में आपको लेना है। आपके सांस की नली के साथ जो ब्रोंकाइटिस ट्यूब्स जुड़ी हुई होती हैं, जो आपके लंग्स में जाती हैं, दोनों लंग्स में, और जिसकी वजह से आप सांस लेते हो, वहाँ पर कफ डिपॉजिट हो जाता है और वो गाढ़ा हो जाता है और चिपक जाता है, कोरोना में यही होता है। तो इसी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, या फिर सांस की नली में स्वेलिंग हो गई, या फिर सांस की नली में कफ डिपॉजिट हो गया, गाढ़ा हो गया और चिपक गया। तो सेनेगा 30 पोटेंसी में मेडिसिन का एक सबसे बेस्ट और नंबर वन सिम्टम कि आपकी जो ब्रोंकाइटिस ट्यूब्स हैं सांस की नली के साथ जो जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से आप सांस लेते हो, वहाँ पर जो कफ डिपॉजिट है उसको ये मेल्ट करेगा। पहले दिन में आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन सिम्टम्स पर काम करती है, लक्षणों पर काम करती है। जब मैंने कहा कि आपके साथ अगर ये प्रॉब्लम है कि ब्रोंकाइटिस ट्यूब्स में कफ जमा है, तो ब्रोंकाइटिस ट्यूब्स के कफ के लिए सेनेगा बेस्ट है। और सांस की नली में अगर कफ डिपॉजिट हो गया है, गाढ़ा हो गया, चिपक गया है, तो वहाँ पर इपिका कुआना ये बेस्ट मेडिसिन है। बच्चे 30 पोटेंसी में ले और बड़े 200 पोटेंसी में ले सकते हैं। एक डोज, 2 से 3 ड्रॉप का एक डोज होता है, और इसको आप कड़वा लगता है तो एक चम्मच पानी में, नहीं तो डायरेक्ट जीभ के ऊपर डाल सकते हैं। और इपिका को आना 200 पोटेंसी में लें तो हायर पोटेंसी होती है इसकी, तो आप दिन में एक बार ले सकते हैं इसको। और बच्चों को 30 पोटेंसी में देना है, दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ बाकी रह गया है आपको कुछ बताना है, तो एक चीज़ मैं और कोरोना के बारे में बता देता हूँ। आर्सेनिकम एल्बम, ये कोरोना का प्रिवेंटिव कहा गया है, आयुष
मंत्रालय की तरफ से भी आर्सेनिकम एल्बम, ये बहुत अच्छी दवाई होती है किसी भी तरह के फीवर में, स्पेशली मलेरिया और टाइफाइड इस तरह के फीवर में आर्सेनिकम एल्बम बहुत अच्छी दवाई होती है। और कोरोना के लिए इसको प्रिवेंटिव बोला गया है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आयुष डिपार्टमेंट बोल रहा है, आयुष मंत्रालय बोल रहा है, और हम तो खैर उससे पहले से ही बोल रहे हैं। तो आपको ये आर्सेनिकम एल्बम 30 पोटेंसी में, आर्सेनिकम एल्बम 200 पोटेंसी में कभी नहीं लेना, सडन डेथ हो सकती है, मैं बता रहा हूँ आपको। 30 पोटेंसी में लेना है कोरोना के पेशेंट को, तो 200 पोटेंसी में या 1 ml में कभी नहीं लेना है आर्सेनिकम एल्बम। आपको 30 पोटेंसी में लेना है, 2 से 3 ड्रॉप डायरेक्ट जीभ के ऊपर, दिन में 2-3 बार आप ले लो, या अगर आप प्रिवेंशन के लिए ले रहे हो तो दिन में 1 बार भी काफ़ी है, आप प्रिवेंट हो जाओगे, कोरोना नहीं हो सकता। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है, कुछ बाकी रह गया है, आप मुझे कमेंट्स में बताना, आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो नेक्स्ट वीडियो में उसका भी जवाब देंगे। और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप अगर बात करना चाहते हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो, और कुछ भी मुझसे पूछना है। थैंक यू सो मच।